Hey guys, welcome back to another vlog. Hope you all doing good in your life. मैं भी टाइम काट रहा हूँ भाई. गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज है, पर फुल पावर, फुल एनर्जी. तो आज मैं आपको लेके जाऊँगा अपने साथ पानी के अंदर, पानी की वादियों में. तो गाइस, आज हम जा रहे हैं पानी पानी करने, और 6 मिनट में मेरी ट्रेन है. अभी 3:30 बज गए हैं दोपहर के. तो गाइस, कितनी गर्मी थी भाई, ट्रेन में बैठे बैठे पसीने आ रहे थे. मतलब ऐसे चल रहा था फिर भी पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे कि मैं अपना सारा पानी पी गया. अब पानी हो गया ख़त्म. तो मैं यहाँ पे वूलवर्थ में आया हूँ. पहले ये शॉपिंग सेंटर के अंदर वूलवर्थ है. अब मैं यहाँ से कुछ पीने के लिए लूँगा. पहले थोड़ा सा लोड करेंगे बैग को खाने पीने की चीज़ों के साथ. एंड देन वी गो फॉर अ वॉक. तो फाइनली गाइस, मैंने ले लिया है एप्पल जूस. मैंने ले लिया है 2, 4, 6 पैकेट. अब आराम से पीता रहूँगा इनको जब भी लगेगी प्यास. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही भूख लगी. अगर गेनिंग करना है मेरी जान तो खाना साथ में लेके चलना पड़ेगा. ये ज्ञानों का डे है, इसे लिख लेना कहीं पर जिनको गेनिंग करनी है स्पेशली. गाइस, आधे घंटे की धुआंधार वॉक के बाद मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल पर. ये तो बहुत गर्मी है. तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम पानी के पास जाएंगे, हम आ गए पानी के पास. कैसा लगा मेरा मजाक? गालियाँ देंगे कि कहाँ ले आया, नाले में ले आया भाई. जस्ट वेट, अभी ये मंजिल नहीं है, ये अभी हम 10% पे हैं, अभी जा रहे हैं. तो गाइस, हम पहुंच गए हैं फेरी की एंट्रेंस पे. अब करेंगे यहाँ पर हम अपना फोन को टैप. फेरी आ गई है, जनता वेट कर रही है, भीड़ हो गई है बहुत ज़्यादा. अब बस मकसद है यही कि इसके अंदर फ्रंट में जगह लेंगे, फ्रंट पे, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ और फोटो को मैं कैप्चर कर सकूँ. तो इसी के साथ करते हैं कोशिश इसके ऊपर चढ़ने की. Okay.
सा है, अच्छा सिस्टम मतलब बैठने का अंदर, और उसके अलावा वॉशरूम वगैरह भी हैं अंदर, सब मतलब ठीक है, बढ़िया है। तो हम पहुंच गए हैं इस जगह पे, तो ये सारा टाइमिंग वगैरह आ रही है यहाँ पे। तो अगला स्टॉप है सिडनी ओलंपिक पार्क, फिर धीरे 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 ये सारी जगह कवर करेगी।
हम पहुंच गए हैं हार्बर ब्रिज। लास्ट टाइम जब मैं आया था सिटी में, हम वहां पहुंच गए हैं हार्बर ब्रिज के पास, और साथ में चल रहा है मेरा बनाना ब्रेड। और हम पहुंच गए हैं सिटी, सिटी का मुआयना करने। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं यहां पर कहीं पे सिटी पे, मुझे भी नहीं पता कहां पहुंच गया हूं, पर मुझे इतना पता है कि मुझे जाना कहां पर है। तो अब मुझे जाना है बेंगलुरु, तो अब हम चलते हैं बेंगलुरु। वहां पे भी कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हैं जो तुम्हें कर देंगी और मुझे भी कर देंगी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई वहाँ पर क्या है। तो चलते हैं वहाँ पर देखते हैं, मुझे बताया था मेरे फ्रेंड ने कि वहाँ पे भी है कुछ देखने लायक, देखते हैं अब क्या है देखने लायक। वैसे तो यहाँ पे हर जगह देखने लायक कुछ ना कुछ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो गाइस यहाँ पर है एक शोरूम जिसका नाम है वॉचेस ऑफ स्विट्जरलैंड, मतलब बेसिकली इसके अंदर सारी वॉचेस मिलती हैं और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महंगा है ये। ए ब्रो, सबसे बड़ा जहाज। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु रिजर्व। तो ये मेनली जो फेमस है ना, ये इसके लिए फेमस है कि साथ में पानी है और ये साथ में ट्रैक है और साथ में एक और ट्रैक है। तो यहाँ करते हैं लोग साइकिलिंग, यहाँ लोग करते हैं वॉक रनिंग, और ये स्विमिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो यहाँ बस पानी के पास देख देख के वॉक करते हैं। तो मतलब बेसिकली यही चीज़ है, और ये बहुत लंबा है पर, और यहाँ पे जो दुनिया है ना भाई, और गाइस जो यहाँ पे दुनिया है ना भाई, वो जो वॉक और रनिंग या साइकिलिंग है ना कुछ भी, वो ऐसे नॉर्मली नहीं करती सड़कों पर, उनको तो प्रॉपर मतलब फीलिंग चाहिए भाई जगह की, तभी वो वहीं पर जाके फिर वो रनिंग वॉकिंग या फिर साइकिलिंग करते हैं। तो ये मतलब मज़ेदार जगह है, लाइक जैसे ट्रेडमिल्स में होती है स्क्रीन लगी हुई, उसमें सारा आ रहा है, पहाड़ आ रहे हैं, माउंटेन्स रिवर्स आ रही हैं, तो वैसे ही इन्होंने पूरा ट्रैक ना रखा है। तो गाइस एक था ये ट्रैक, एक था ये ट्रैक, और जो मैं नहीं ले पाया पहले, एक ट्रैक है ये लकड़ी का बिल्कुल पानी के साथ, मतलब रनिंग वॉक कुछ भी करना मज़ा आएगा करने में, मतलब बोर नहीं हो गए। सो गाइस जो ये ट्रैक था लकड़ी वाला, मैं आ गया हूँ इसके ऊपर, क्योंकि यार इस पे चलने का मज़ा है, थोड़ा सा ये बम्प हो रहा है, बम्प होते बाउंस हो रहा है जो भी है। और जो मैंने खाया था ब्रेड वो पूरा फिल हो चुका है मेरे डोलो के अंदर, और अब चलते हैं आगे। बस एक चीज़ जो मुझे सबसे बेकार लग रही है वो पता है क्या, चुभती हुई धूप, बाकी सब बहुत बढ़िया है। तो बाकी गर्मी ज़्यादा लग नहीं रही है क्योंकि हवा चल रही है, पूरा कार्डियो करके ही हम घर लौटेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तो बहुत लंबा ट्रैक है। मैं ब्लॉग बनाने आता हूँ, मेरा कार्डियो जाता है यार।
परेशान से आया, बहुत बहुत काई है नीचे जाना, यहाँ बहुत ज़्यादा काई है, मतलब गिर सकते हैं, बहुत स्लिप कर रहे हैं। बहुत ध्यान से भाई, कभी भी ऐसी जगह जाओ ना हमेशा जहाँ पे काई हो, मतलब पानी के पास काई पक्का होती है, तो जो ना स्टेपर हमेशा आपने पूरा दबा के रखो, देखो वहाँ पर स्लिप नहीं करना, तो आप पूरा पैर दबा के चेंज, क्योंकि भाई मैं रहा हूँ पिंजौर के अंदर और वहाँ पर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर 365 पानी के कुंड है जो कि पंट बोड़े को देते, तो पता है ये तो कोई बिगिनर होगा पक्का गिरेगा 100% यहाँ पर, बहुत काई है, स्लिप कर रहा पैर ऐसे। तो बेसिकली ये भैया फिटनेस टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, पहले ट्रैक खत्म हुआ अब स्टेयर मास्टर, समझ रहे हो ना। तो गाइस यहाँ पे या तो पानी होता नहीं है, और जहाँ पानी होता है ना, लाइक देखो पानी है पीने का, जो ऊपर वाला टैप है वो इंसानों के लिए है, और जो नीचे वाला टैप है वो जानवरों के लिए है। तो लाइक अगर तो मतलब अगर डॉग्स वगैरह को पानी पीना है तो नीचे पी सकते हैं, मतलब उनका जो मालिक होता है वो टैप ऑन कर देता है, नीचे पानी भर जाता है, फिर कुत्ता पी लेता है ऑब्वियसली। यहाँ पर स्ट्रीट डॉग तो यहाँ पर स्ट्रीट डॉग होते नहीं है, तो इतना चक्कर नहीं है, तो मतलब बड़ा सही है कि जो सर्विस इंसानों के लिए है वो एनिमल्स के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब पार्शियलिटी नहीं कर रखी कहीं पर भी। तो गाइस एक जगह पहुंच गया हूँ, बहुत अच्छी जगह, और यार ये इसका पता नहीं था मुझे, ये जन्नत। ओह माय गॉड, यार यहाँ पे मैं दोबारा आऊंगा, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और दिन यार टावर लेके नहीं आया, नेक्स्ट टाइम पूरी प्रिपरेशन के साथ आऊंगा यहाँ पर, ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है, मुझे था कि सिर्फ बीचेस वगैरह भी होते हैं सारा कुछ, नहाने पीने का सिस्टम, मतलब नहाने का सिस्टम, मजा आ गया देख के। तो नेक्स्ट टाइम पूरी तरीके से आएंगे और यहाँ पे नहाएंगे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। भाई ये जगह थोड़ी सी कमाल की भी है, थोड़ी वियर्ड भी है, क्योंकि ये जगह जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है, बाकी समझने वाले समझ जाओ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है गाइस, यहाँ पे सारी स्ट्रीट सिस्टम ना खाली पड़ी है, और वो पता है क्यों गाइस, सारी जनता जहाँ हम थे अभी सारी जनता अंदर है, मतलब वो फुल क्राउडेड हो रखा है, पूरा शहर खाली है इस टाइम, ये लगा लो।